अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अजवाया सर। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन विद आलमंड्स की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाने में भी बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चिकन विद आलमंड्स बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए सबसे पहले चिकन, आधा किलो चिकन जो कि मैंने क्यूब्स में काट लिया जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये 500 ग्राम्स है चिकन। साथ ही साथ आपको चाहिए नमक, नमक बहुत थोड़ा चाहिए आपको, 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर आपको चाहिए 1/2 टीस्पून। सोया सॉस 2-3 टेबलस्पून आपको चाहिए, और लहसुन आपको क्रश हुआ हुआ चाहिए 1 टेबलस्पून। हरी प्याज, स्प्रिंग अनियन आप लोगों को चाहिए 1/2 कप कर लें आप, और साथ ही साथ मैंने ये मटर ले लिए हैं, इसको मैंने हल्का सा स्टीम कर लिया यानी बॉईल कर लिया, और गाजरों को भी मैंने इसी तरह पील किया है और साथ ही हल्का सा स्टीम कर लिया है, बॉईल कर लिया। प्याज अनियन आप लोग बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए हमें चाहिए चिकन स्टॉक, अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है आप चिकन क्यूब से भी स्टॉक बना सकते हैं। मैंने 1 ग्लास पानी लिया और उसमें 2 क्यूब्स डाल दिए। साथ ही बादाम मैंने गर्म पानी के अंदर इसको गर्म करके तो इसकी स्किन उतार ली है, इसको हम रोस्ट करेंगे सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर 2-3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और उसमें आप छिले हुए बादाम डाल दें, और इसको आप 1-2 मिनट्स तक इसको रोस्ट कर लें अच्छी तरह। जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो आप ऐसा करें कि इसको एक प्याली में निकाल लें और अलहदा करके रख लें, ये बाद में हम लोग यूज़ करेंगे। अब आप लोग एक पैन लेंगे, उसमें आप 4-5 टेबलस्पून ऑयल डाल लें। ऑयल डालने के बाद आप इसके अंदर डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन डालेंगे, ये 1 टेबलस्पून हम लोगों ने इसके अंदर गार्लिक डाल लिया है। अब हम इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ये गोल्डन ब्राउन हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। जी तो नाज़रीन, हमने इसके अंदर चिकन डाल दिया है। अब हम इसको 1-2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल सूख जाए और ये अच्छी तरह पक जाए। आप इसको कवर भी कर सकते हैं 2-3 मिनट्स, तो ये बहुत अच्छी तरह गल भी जाएगा। ये देखें, जैसे कि ये चिकन हो गया हमारा। अब हम इसके अंदर अपनी सब्ज़ियाँ डालेंगे। सबसे पहले मैंने मटर डाले जो कि हल्के से बॉईल हुए हैं। मटर डालने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट वेजिटेबल इसमें ऐड करेंगे वो है हमारी कैरेट्स। कैरेट्स को 2 गाजरें ली मैंने और उसको मैंने इसी तरह कट करके तो बॉईल कर लिया। अब हमने इसके अंदर कैरेट्स भी डालनी है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज हम लोगों ने 2 मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिए और उसको मैंने बड़े साइज़ में कट कर लिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसलिए डाला क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी बहुत नमक होता है। ये ब्लैक पेपर भी मैंने शामिल कर दिया 1/2 टीस्पून। आप नमक को अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं। सोया सॉस इसमें मैंने डाला 2 टेबलस्पून। अब मैं इसके अंदर अपनी चिकन स्टॉक ऐड करूंगी, जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए उतने स्टॉक में ऐड करूंगी। मैंने 1 ग्लास ऑलमोस्ट ले लिया था। अब मैं इसको कुक करूंगी 2 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे। ये देखिए, ये कुक हो गई है, सब्जियां बहुत अच्छी तरह पक गई हैं। अब मैंने 1 कप में वाटर लिया, 1/2 कप वाटर ले लिया, और उसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला। आप ग्रेवी के हिसाब से कॉर्नफ्लोर ज़्यादा और थोड़ा कर सकते हैं। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी ग्रेवी में कॉर्नफ्लोर स्लरी जो है उसको मिक्स करूँगी। अगर मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो उसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे। अब ये देखें, इसका कितना खूबसूरत कलर भी आ चुका है, बहुत अच्छा कलर आया है इसका। अब मैं इसके अंदर अपनी स्प्रिंग अनियन ऐड करूँगी,
हरी प्याज टू टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं, जिसको ज़्यादा नहीं पसंद वो थोड़ा भी ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त देखें इसके कलर्स आ गए हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और ये है भी बहुत मज़ेदार। अब मैं इसमें रोस्टेड आलमंड्स भी शामिल कर दूँगी, यानी जो बादाम मैंने छील के रखे हुए थे और जिनको मैंने रोस्ट किया था उसको भी ऐड कर दिया बीच में। और ये हमारी इसकी फाइनल टचिंग थी। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये बन गया, बहुत मज़े की इसमें से खुशबू भी आ रही है। और आप इसको वाइट चावलों के साथ भी खा सकते हैं, सिंपल बॉयल्ड राइस के साथ भी, और वेजिटेबल राइस के साथ भी इसको आप खा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी रेसिपीज़ को इसी तरह आप लोग लाइक करते रहें और मेरी रेसिपीज़ को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।